कितना सुंदर कहा है, सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, सकरसंग संक्रांति का उद्यापन कर लो, अधिक मास का उद्यापन कर लो, छठ का उद्यापन कर लो, तीज का उद्यापन कर लो, चतुर्थी का उद्यापन कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने व्रत तुम करती हो उसके उद्यापन करो। पर शास्त्र कहता है उस उद्यापन में घर के लोगों को नहीं गिना जाता, उस उद्यापन में सौभाग्यवती माताएं जो तुम्हारे नगर की हों, मोहल्ले की हों, जो तुम्हारे परिवार की नहीं दूसरी हों, उनको उस उद्यापन में गिरो गिनो। उसका कारण क्या है कि परिवार वाले तो जिंदगी भर खाते रहते हैं, तुम्हारे यहाँ हर कभी आ जाते हैं, तुम उनको बुला भी लेते हो, खिला भी देते हो, दे भी देते हो, परिवार को दिया दान नहीं कहलाता। जब दूसरी कोई सौभाग्यवती नारी तुम्हारे यहाँ उद्यापन में भोजन कर कर जाएगी तब वो दान कहलाए। परिवार में से गिनना है तो बहन बेटी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो भांजी को गिन लो, परिवार में से गिनना है तो कोई भतीजी को गिन लो। पर हमने, हमारी चार जेठानी है, चारों को हमने अध्यापन में गिन लिया, हमारी पांच देवरानी है, हमने पांचों को अध्यापन में गिन लिया, हमारे काका जी की जो लड़कियां हैं, हमारी जेठानी आदि का जो भी उनकी बहुएं हैं, हमने उनको भी अध्यापन में गिन लिया। ये अध्यापन नहीं लगता, अध्यापन हम जब दूसरे को देते हैं। कई लोग कहते हैं हमने बेटी का विवाह करा तो उसको साड़ी दी तो हमारा दान लगना चाहिए, बेटी की शादी होने के बाद हम बेटी को कुछ दे रहे हैं तो दान लगना चाहिए, हमने बेटी को अंगूठी बनवा कर दी तो हमने दान कर दिया, हमने बेटी को वस्त्र दिया तो दान कर दिया। कौन सी पुराण में लिखा है कि बेटी को आप कुछ देते हो तो दान कहलाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी कभी तुमसे दान नहीं लेती, बेटी तुम्हारे घर में आती है तो अपना हक लेकर जाती है, हिस्सा लेकर जाती है, दान कभी लेकर नहीं जाती। बेटी को दान दे दिया, एक आध दिन काले कोट वाले भैया को लेके आ गई ना, अगर एक दिन आ गई ना काले कोट वाले को लेके फाइल माइल सब लेके, उस दिन फिर तुम जी 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 करते रहोगे। एक साड़ी देकर कभी एहसान मत मानो कि हमने बेटी को कुछ दे दिया, हमने बेटी को कुछ प्रदान कर दिया, हमने दान दे दिया। बेटी कभी दान नहीं लेती, बेटी तो खुद दान में जाती है, उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में कन्यादान कहते हैं, बेटी तो खुद दान में जा रही है। हमने बेटी को ये सम्मान दे दिया, दान कर दिया। शिव महापुराण कहती है ना ना ना, अब दूसरे को दिया गया दान है, दूसरे को प्रदान किया गया पुण्य है, अपने का क्यों नहीं लगता? बहन बेटी हो तो उसको दो, मना नहीं है, हम मना नहीं कर रहे, भांजी है तो उसको दो, मना नहीं कर रहे, अपनों का क्यों नहीं लगता? देवरानी को दिया या जेठानी को दिया उसका क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपस में तुम आज खिला दोगी, अगर उद्यापन में तुम थोड़ा बहुत पांव भी पड़ लोगी, उद्यापन में तुम उसका सम्मान भी कर लोगी, उद्यापन में थोड़ा सा तुम आदर भी कर लोगी, पर बाकी के साल भर तुम उसका आदर करोगी क्या? अंदर से ना जाने कौन कौन सी बात पे दिन भर कुड़ती रहोगी अंदर बैठी बैठी। तो ये पुण्य कहां से लग गया, ये दान कहां से लग गया? दान अनायासी होता है,